आरएनसा चौक स्थित लोजपा के कार्यालय में मजदूर सभा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मजदूर दिवस के मौके पर लोजपा ने श्रमिकों की आवाज को बुलंद किया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के सुकमा एवं कश्मीर में शहीद देश के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। लोजपा अध्यक्ष माधव सिंह ने मजदूरों को केंद्र प्रायोजित योजना की जानकारी दी। इस मौके पर लोजपा के प्रदेश महासचिव वैद्यनाथ सिंह, किसान सेल के अध्यक्ष बद्रीनारायण मेहता सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बद्रीनारायण मेहता ने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद भी मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। पार्टी के प्रदेश महासचिव वैद्यनाथ सिंह ने कहा कि काम के अधिकार के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया है, ताकि श्रमिकों को गाँव में ही काम मिले, जिससे पलायन न करना पड़े। इस मौके पर गोपाल मंडल, सुरेश राय, रमेश पासवान आदि उपस्थित थे। आज हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर लेबर सेल के माध्यम से आज जो लेबर दिवस है, मजदूर दिवस है, उसके मुतल्लिक हम लोगों ने आज बैठक की है। हमें अपने मजदूर सेल के अध्यक्षों से, प्रखंड अध्यक्षों से ये बताना है कि आज का दिन जर्मनी से फ्रांस तक जब जद्दोजहद लेबरों का हुआ, खून का नदियां बही, तो यूएनओ में एक मीटिंग हुई कि एक दिन ऐसा समय निर्धारित किया जाए कि जिसे श्रम दिवस के रूप में जाना जाए। तो वहां तय हुई, सारे विश्व के देशों से तय हुई कि 1 तारीख को, आज जो 1 मई है, इस दिन ही लेबर दिवस मनाया जाए, जिससे सारे विश्व के लोग इसको समर्थन दिए और उसी दिन से 1 मई को लेबर दिवस के रूप में जाना जाता है। हम लोग भी इस दिन सभी पार्टी के तरफ से, हम लोग खास करके लोक जनशक्ति पार्टी, गरीब तबके के लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, करीब करीब मैं समझता हूँ कि लेबर क्लास के ज़्यादा हैं और थोड़ा मध्य क्लास के कम हैं, तो हम लोग इन लोगों को जागृत करने के लिए आज लेबर दिवस के मौके पर सारे लोगों को बुला के एकत्रित करके उनको जनाने का काम किया है कि आप श्रम कैसे सृजित करेंगे। इसको मैंने विस्तार से बता दिया कि पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक आप चाहें तो लेबर को एकजुट करके पंचायत के मुखिया से रोजगार मांग करके, मनरेगा पदाधिकारी से रोजगार लेके आप उसकी भुगतान करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मजदूर दिवस है, तो क्या इस दिवस में छुट्टी मनाई जाती है या काम किया जाता है छुट्टी? ऐसे तो मजदूर दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में लगभग छुट्टी ही मनाई जाती है। मजदूर संगठित होके छुट्टी इसलिए मनाई जाती है कि मजदूर सब दिन काम करता है और एक दिन संगठित होके अपने मजदूर दिवस के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करके इस बारे में समझाया जाए, इसलिए छुट्टी दिया जाता है। तो ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि छुट्टी होना चाहिए और है भी, छुट्टी है भी, मगर यह तो देखा जा रहा है कि अफसर लोग छुट्टी पे और मजदूर लोग काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ बता सकते हैं? ऐसा इसलिए है कि हमारे भारत के मजदूर अब भी कमजोर हैं जी। एक एक पैसा के लिए यदि सही पूछिए तो 60% लोग मजदूर के संख्या में आते हैं, उनको इतनी नहीं दिक्कत है, लोग सरकार लाख ढोला पीते, वो एक एक रुपया के लिए मोहताज है, आज भी है जी। और उसी भरपाई के लिए मजदूर अफसर घर में बैठा है और मजदूर उसी के कारखाने में काम कर रहा है, ये मजबूरी है। इसको दुरुस्त करना होगा सरकार को कि हम किस तरह से मजदूर को, असंगठित मजदूर को, संगठित मजदूर को किस तरह से हम रोज का पैसा भुगतान करें, जिससे मजदूर 1 दिन क्या 10 दिन भी छुट्टी मनाने का क्षमता रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा कहा जाए ये मजदूर दिवस के बजाय ये अफसर दिवस छुट्टी हो गया, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि छुट्टी तो सारे लोगों का है जी, अफसरों का भी है, मजदूरों का भी है। उस अफसर को प्रेरित करने की जरूरत है मजदूरों को, आज उनको समय देना चाहिए मजदूरों के बीच कि चूंकि मजदूर दिवस है तुम जगो, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं कि ये जगेगा तो अफसर को दिक्कत होगी, इसलिए वो सोचता है इससे काम करवाता है। आज जो यहाँ बैठक हो रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जिन
मजदूरों ने पूरे विश्व में मजदूरों के ऊपर जो शोषण अत्याचार अन्याय हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ अपनी शहादत दिया था और आज के दिन में ही दुनिया के तमाम मालिकों ने हार स्वीकार करके आज के दिन मजदूरों के अधिकार को मान लिया था और मजदूरों के साथ ये समझौता हुआ था और आज 1 मई के दिन ही अमेरिका में जो यह तय हुआ था कि मजदूर 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा नहीं मजदूर 8 घंटा काम करेगा और मजदूर एक्टों की मंजूरी हुई थी और आज से 1 मई के दिन ही दुनिया के तमाम मालिक और सरकार झुके थे जहां कि मजदूरों के अधिकार को दिया गया। हम उसी याद को दोहराने के लिए अपनी जो मजदूरों की शहादत हुई है उस शहादत को याद करते हुए हम पुनः जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं जो सरकार पूंजीप्रस्त सरकार है जो सरकार सामंतवादी और मजदूर विरोधी सरकार है इस सरकार से लड़ने के लिए मजदूरों को अपने बलिदान को याद दिलाने के लिए और अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम आज की बैठक का आह्वान किए हैं और आज की बैठक के माध्यम से हम गांव-गांव में संदेश देना चाहते हैं कि मजदूरों जगो अपने अधिकार को पहचानो और ये तमाम जो बड़े सामंती लोग हैं जो मजदूरों के अधिकार को लूटते हैं जो मजदूरों के अधिकार को छीनते हैं इनसे लड़ करके अपना हक छीनो अपने अधिकार को लो और जो दुनिया के मजदूरों ने शहादत दिया है उसको हम नमन करते हुए आज अपना मजदूरों के अधिकार की रक्षा के लिए आज ये बैठक करते हैं।